यूजीसी नेट का ज्योग्राफी का पेपर 3 मार्च 2023 को जो हुआ है मार्च के अंदर, यानी कि ये दिसंबर का एग्जाम था, मार्च के अंदर एनटीए ने करवाया था। तो विद आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। और ये मैंने पहले जो मॉर्निंग शिफ्ट का मैंने डाल दिया है पेपर, और अब ये इवनिंग शिफ्ट का जो आपका पेपर हुआ है, ये पेपर है क्वेश्चन पेपर विद आंसर की, आपको यहाँ पर मिलेगी हमारे चैनल पर। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93503 44 727। इस व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। 9350344727 इस पर आपको क्या है, इस नंबर पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी विद आंसर की के साथ। और इसी के साथ ही हमारे यहाँ पर जो यूजीसी नेट जून 2003 के दो सॉरी जून 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, तो जून एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर 10 की 10 यूनिट्स की पीडीएफ है, वो भी आपको हमारे चैनल पर, आपको व्हाट्सअप इसी व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगी। अगर किसी को चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऑल मटेरियल आपको ज्योग्राफी के यूजीसी नेट की तैयारी के लिए आपको मिलेगा। तो आइएगा, हम ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर, देखते हैं कौन किस प्रकार का क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया है, क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भूआकृतिक परिघटना त्रिविम रूप से घटित होती है, यानी कि जो आपकी लैंडस्लाइड के बारे में पूछा गया है ये, तो सबसे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मलवा हिमस्खलन। यानी कि जो लैंडस्लाइड होती है वो बहुत तेजी से होती है, यानी कि बहुत बड़ा पत्थर चट्टान एक साथ बहुत ढलान के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये आपका कोई पर्वत है, यहाँ से क्या है जो मलवा है वो क्या है बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये मैं ली जो आपके मृदा जो सर्पण है वो 3 प्रकार का होता है, एक तो होता है त्रिव, एक होता है बीच का, और एक होता है मध्यम मध्यम, ठीक है। यानी कि बाकी जो मृदा सर्पण है ये मंद संचलन के अंदर आता है, पंख प्रवाही मंद संचलन के आता है, प्रवाह है भूमि प्रवाह है वो मध्यम गति के अंदर शामिल होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इसके अंदर पूछ रखा है कि भूकंप के अधिकेंद्र के मानचित्र के लिए कम से कम कितने भूकंपीय केंद्रों के आंकड़ों की आवश्यकता होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि कोई भी अगर भूकंप आता है, जैसे कि आपकी पृथ्वी है और यहाँ मान लीजिएगा सेंट जहाँ अधिकेंद्र है भूकंप का, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है, मूल केंद्र है ये, मूल केंद्र, ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे पहले पहुँचता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो आपको पता है यहाँ से 3 तरंगे छूटती हैं, प्राथमिक तरंगे एस वेव यानी कि सेकेंडरी तरंगे यानी कि द्वितीय तरंगे और एल वेव, ठीक है। तो सबसे पहले प्राथमिक तरंगे आते हैं, उसके बाद सेकेंड तरंगे, उसके बाद में एल तरंगे। तो इन अलग अलग तरंगों को जो मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए क्या 3 कम से कम कितने भूकंपीय केंद्र हो, तो 3 केंद्र इसके लिए, इसलिए इन 3 तरंगों मापने के लिए 3 केंद्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी तरंगों को मापने के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी की होती है, तो इनको मापने के लिए 3 जो है केंद्र होने जरूरी हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हम यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आगे अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि घाटी पार्श्व ढाल बहिर्जनित और अंतर्जनित प्रक्रियाओं के सापेक्ष महत्व का संकेत प्रदान करता है, तो ये किसने कहा था, क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये किसने कहा था, तो ये पेंक ने कहा था, किसने कहा था, पेंक ने कहा था। तो पेंक ने आपको पता है कि वो अवस्थी जिंडे विक्टलिंग इस प्रकार से उन्होंने अपरदन यानी कि जो डेविस के अपरदन चक्र है उसको विरोध करते हुए उन्होंने अपना मॉडल्स दिया था, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग कई बार इनसे रिलेटेड विचारधारा पूछी भी गई है। आगे आप देखिएगा, एलसी किंग ने जैसे पैडी प्लेन दिया था, पेडी प्लेन दिया था, डेविस ने पेनी प्लेन दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार गिल्बर्ट ने कौन सा मॉडल दिया था अपरदन से रिलेटेड, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भूकंप
निम्नलिखित में कौन भूकंप के परिणाम से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भूकंप से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, ये कहना चाहता है कि कोई भूकंप अगर आता है, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ सेंटर से भूकंप ऊपर की तरफ तरंगे जाती हैं, तो कहता है कि किसका प्रत्यक्ष, यानी कि इसका इफेक्ट कहाँ पर नहीं, किस बात पर नहीं पड़ेगा। विकेंद्रीकृत यानी कि जो भूकंप आता है सबसे पहले कि जो चट्टाने होती हैं उसके अंदर भर्षण पड़ता है, उसके कारण आता है। तो भर्षण खंड की लंबाई कितनी है ये भी डिपेंड करती है। सत्य की प्रचंडता है, यानी कि कितनी तबाही मचाई, कितनी तीव्रता का भूकंप आया। अगर जो 7 से 8 तीव्रता का भूकंप आता है तो वो काफ़ी विनाशकारी होता है, यानी कि 7 से ऊपर होता है वो काफ़ी विनाशकारी होता है, और 9 का तो तबाही मचा देता है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में केंद्र की गहराई, यानी कि भूकंप है वो अधिकें जो मूल केंद्र है वो कितनी दूरी है, धरातल के नीचे 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, कितनी दूरी पर है, तो उस पर डिपेंड करता है। ये तीनों चीज़ें पर डिपेंड करता है, लेकिन भूकंप से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है कि उसे कितनी ऊर्जा निकली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, निम्न में से कौन से वायुमंडल गैस प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे का प्राथमिक संघटक है। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ओजोन, यानी कि वायुमंडल गैस प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्राथमिक संघटक है, यानी कि जो ओजोन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछ रखा है इसके अंदर ध्रुवीय क्षेत्रों, मध्य अक्षांश तथा भूमध्य रेखा के ऊपर शोभ सीमा यानी कि ट्रोपोपॉज की ऊंचाई किलोमीटर में सही क्रम क्या है। ठीक है, तो जो आपकी यानी कि जो सौभ मंडल है, सौ मंडल की ऊंचाई है, आपको पता है कि अलग अलग होती है, यानी कि जैसे जैसे क्योंकि धरातल के साथ क्या है, वायुमंडल गर्म रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाएंगे तो ट्रोपोपॉज की ऊंचाई वो कम होती जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, तो देखिए जैसे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 9, 11 और 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो गर्म जैसे जैसे जो हवा ठंडी होती जाती है वो क्या होती है, हल्की होती जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, और इसके कारण जो शोभ सीमा की हाइट है वो बढ़ जाती है भूमध्य रेखा पर। और जैसे जैसे हम देखिए जैसे जैसे हम क्या है, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इसकी जो ट्रोपोपॉज की हाइट है वो कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो इसकी ऊंचाई क्या, बढ़ती जाएगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी के ऊष्मा बजट के कुल आणविक विकिरण में कितने प्रतिशत वापस अंतरिक्ष में प्रवाहित हो जाती है। तो आपको पता है कि पृथ्वी का जो एल्बिडो है वो 35% है करीबन। ठीक है, तो यहाँ लगभग में 30 दे रखा है, तो ये क्लोज इसके लगता है, तो 30% ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो पृथ्वी, जैसे कि ये सूर्य आपका, ये सन है। ठीक है, तो सन से जो पृथ्वी पर जो सूर्य किरणें आती हैं, इनकी जो ऊष्मा आती है, वायुमंडल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, या फिर कहें कि धरातल अगर सम इनकी चिकना है तो वो क्या कर देता है, हीट को क्या है, रिफ्लेक्ट कर देता है, या धूल कण वगैरह है। ठीक है, वो उसे क्या करते हैं, वापस परावर्तित कर देते हैं वो। ठीक है, और पृथ्वी का एल्बिडो 35% है। ठीक है, और ये यही एक्यूरेट रहना सही है, क्योंकि अगर ये कम या ज़्यादा होगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और ये इसी पर ग्लोबल वार्मिंग का सिस्टम आपका कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार कतड़ित में जीवन की और संपत्ति की अधिक क्षति होने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाए, ऋणात्मक मेघ से भूतल तड़ित, यानी कि आपका क्या है, ऋणात्मक उदय से, जैसे कि बिजली, यानी कि जो बिजली कड़कती है वो किस प्रकार पड़ती है धरातल पर, तो जो ऊपर आकाशमान में होता क्या होता है कि बादलों के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और लेकिन जो आपका नीचे धरातल है वहाँ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो किसी से भी मिल सकता है, तो उसी के कारण बिजली क्या है, धरती पर गिरती है। जैसे कि कोई ऊंची दीवार, कोई ऊंची बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई पेड़ भी हो सकता है। ठीक है, तो उन पर क्या बिजली पड़ जाती है, क्योंकि वहां क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। कभी भी बिजली आकाशमान में कड़कती है तो कहते हैं कि नीचे बैठ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप खुले मैदान में हो
और अगर आप हो सके तो आप किसी घर के अंदर घुस जाएं, क्योंकि जो दीवार इनकी जो, अगर आप किसी घर के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ सीधा आपका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं मिल पाता, जिसके कारण बिजली नहीं गिरती। तो बिजली गिरने का जो साइंटिफिक रीज़न ये है कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है आसमान में बादलों में, और नेगेटिव चार्ज नीचे धरातल पर मिल जाता है, और जैसे नेगेटिव पॉजिटिव मिलता है तो बिजली क्या है धरातल पर गिर जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट इस पर काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपागम का मानना है कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक और आधा दार्शनिक आधार प्राकृतिक सौंदर्य को सुरक्षित करने के संदर्भ में विचार करना। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, वो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पर्यावरणीय सौंदर्यबद्ध सौंदर्य बोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गहन सामाजिक परिस्थिति क्या है, सामाजिक परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि जो समाज के लोग हैं, जो लोग हैं उनका इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार का रिलेशन है, उसे सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण व्यवहारिकता, पर्यावरण व्यवहारिकता का मतलब है कि मनुष्य किस प्रकार जो है पर्यावरण के साथ बिहेवियर करता है, किस प्रकार उसका पर्यावरण के प्रति किस प्रकार का बिहेवियर है। ठीक है, और जो उसके बाद में गहन पारिस्थितिकी है वो इसका अर्नेस्ट हेकल ने ये गहन पारिस्थितिकी जो शब्द सबसे पहले दिया था। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र के निम्न से किस में अधिक जैवभार होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो किस में होता है, उत्पादक के अंदर होता है, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं आपके, हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जैव भार अधिक होता है। उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि पेड़ पेड़ पौधे घास, ये क्या प्राथमिक उत्पादक है। ठीक है, इसको कौन खाते हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस ये खाती है। ठीक है, तो ये प्राथमिक उत्पादक है। ठीक है, उसके बाद इनको कौन खाता है, भेड़ बकरी गाय भैंस को कौन खाता है, जैसे कि शेर चित्ता लोमड़ी खा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में तृतीयक के अंदर कौन आ जाएगा, तृतीयक के अंदर सर्वहारा वर्ग आ जाते हैं। तो ऐसे भी याद रखना कि प्राथमिक के अंदर उत्पादक होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो ज़्यादातर शाकाहारी होते हैं। ठीक है, और द्वितीयक उपभोक्ता है वो मांसाहारी होते हैं, और तृतीयक जो उपभोक्ता होते हैं वो सर्वहारी होते हैं, जिसके अंदर मनुष्य कुत्ता बिल्ली ये आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पादप भक्षी जीव जंतुओं द्वारा निम्नलिखित जैव भार कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इसका देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो ये क्या है, द्वितीयक उत्पादकता कहलाता है। ठीक है, द्वितीयक उत्पादकता, क्योंकि जो आपके पादप पक्षी जीव जंतुओं के द्वारा निर्मित जैव भार, यानी कि आपने पता है कि मैंने बताया था कि पेड़ पौधों के बाद जो जीव जंतु आते हैं तो वो द्वितीयक उत्पादकता कहलाएंगे। ठीक है, उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, ये उत्पादकता क्यों, उत्पादक प्रोड्यूसर क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये क्या है कि पादप भक्षी जीव जंतुओं के द्वितीय के अंदर आते हैं, इनको तृतीयक यानी कि तृतीयक यानी कि सर्वहारा वर्ग इनका इनको इनको खाते हैं, तो इसलिए ये द्वितीयक उत्पादकता कहलाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सा आपदा बाद की अवस्था का हिस्सा, यानी कि कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप ज्वालामुखी फट गया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप पुनर्वास करेंगे, यानी कि जो लोगों के घर ढह गए हैं, बह गए हैं, उनके घर टूट गए हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, नए जगह पर उन्हें रखा जाएगा, नया उनके घर दोबारा बनाए जाएंगे, या जब तक उनके घर नहीं बने जाते तो सरकार क्या करती है, उनको कहीं रहने का प्रबंधन करती है, तो पुनर्वास क्या है ये होगा। लेकिन आपदा की चेतावनी क्या है, आपदा से पहले की अवस्था, यानी कि कोई भूकंप बाढ़ आने वाले, जैसे कि नदी का जलस्तर अगर बढ़ रहा है तो नदी के आसपास के जो गाँव है उनको लोगों चेतावनी दे दी जाएगी कि नदी के अंदर बाढ़ कभी भी आ सकती है। ठीक है, दूसरा आपका आपदा की भविष्यवाणी भी पहले ही की जाती है। ठीक है,
और आपदा भेद्यता विश्लेषण कब किया जाता है, ये किया जाता है आपदा के दौरान किया जाता है विश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण का मतलब है कि इंटरप्रिटेशन, वहाँ बताते हैं कि कैसे कैसे आपदा आ गई, कौन कौन मर गए, जो न्यूज़ वाले यही काम करे करते हैं जब कोई आपदा बाढ़ भूकंप ज्वालामुखी कहीं पर आ जाता है तो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुनर्वास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि एक मिनट ऊपर चला गया ये। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन हेतु सामाजिक पर्यावरण की उपयुक्तता का संभवतः सर्वाधिक संवेदनशील सूचक पैरामीटर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक मिनट रुकिएगा, ये क्वेश्चंस जो है हाँ, तो इसका जो राइट आंसर क्या जाए शिशु मृत्यु दर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन हेतु जो क्या है, तो इसका शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। तो शिशु शिशु मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर कितने तक होती है, 0 से 6 आयु वर्ग के, ठीक है, वो शिशु मृत्यु दर के अंदर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बाल मृत्यु दर 6 से 12 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में मातृ मृत्यु अनुपात, ये मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि कितने बच्चों को जन्म देने के बाद कितनी महिलाएं जो उनकी मृत्यु होगी, ठीक है। तो ये अलग अलग है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शिशु मृत्यु दर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूतल के निवास और अनिवास भाग के बीच विभेद करने हेतु एक्यूमेन और नॉन एक्यूमेन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम है वो निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनानी। यूनानी जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने, ठीक है, ये शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का लोकप्रिय कथन है कि जनसंख्या वह संदर्भ बिंदु है जिससे सभी अन्य अवयवों का प्रेक्षण किया जाता है और महत्व और आशय प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जे टी टी वार्था, ठीक है। तो इन्होंने ये दिया था, ठीक है। सबसे पहले जो जनांकीय संक्रमण मॉडल क्या है वो किसने दिया था, डब्ल्यू जेलेंस्की ने दिया था, ठीक है। उसके बाद में टिवार्था भी ने भी जनांकीय संक्रमण मॉडल दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा नगर का सही प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मत्स्य या फार्मिंग, ठीक है। यानी कि जो सांस्कृतिक मनोरंजन नगर भी होते हैं, परिवहन नगर भी होते हैं, संसाधन निष्कर्षण यानी कि जहाँ माइनिंग की जाती है वो नगर भी होते हैं, लेकिन मत्स्य फार्मिंग कार्य के आधार पर नगरों का नहीं बांट सकते क्योंकि मत्स्य पालन और फार्मिंग जो है वो कहाँ की जाती है, वो उस गाँव के अंदर की जाती है, ठीक है। तो इसलिए इनके आधार पर हम शहरों का जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं कर सकते, ठीक है। कल्चरल सांस्कृतिक नगर जैसे कि आपका हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया, मनोरंजन नगर जैसे कि मुंबई हो गया, ठीक है। उसके बाद में परिवहन नगर के अंदर जैसे कि आपका चेन्नई हो गया, ठीक है। और उसके बाद में संसाधन नगर जैसे कि आपका बकोरा हो गया, बकोरा रानीगंज, ठीक है। ये शहर क्या है, निष्कर्षण नगर के उदाहरण है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। WTO रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वाणिज्य सेवाओं के निर्यात और आयात में विश्व के अग्रणी देश कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा, चीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के 5 व्यापक सामाजिक आर्थिक विषयों निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है, ठीक है। तो इसका कौन सा एक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयात प्रतिस्थापना एवं निर्यात प्रोत्साहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है,
एक क्षेत्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है, इसमें निम्नलिखित में से जो है वो किसके द्वारा विशेष बल दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। इसमें क्या, गुन्नार मिडाल का संचयी क्रियात्मक क्रय उत्पादन मॉडल, यानी कि गुन्नार मिडाल ने जो मॉडल दिया था बैकवर्ड स्पेस वॉश इफेक्ट का, ठीक है, तो उसके अंदर ही इन्होंने स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आप एक दो एरिया है, एक तो डेवलप एक डेवलपिंग एरिया है, वो कहता है कि एक डेवलपिंग यानी कि एक विकसित क्षेत्र है उसको और विकसित होने के लिए जो अनडेवलप्ड सेंटर है वहाँ की जो सारी पावर है उसको दे देनी चाहिए, ठीक है, और जो बाकी के एरिया है जो अनडेवलपमेंट है वो और यानी कि गरीब होता जाएगा और जो अमीर है वो और अधिक अमीर होता जाएगा। ठीक है, ये जो पूंजीवादी विचारधारा का ही रूप है इसके अंदर, ठीक है, तो गुनार मिडाल ने ये बताया था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश के किरुना और गेली वारे मैग्नेटाइट ऐसक का उत्खनन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वीडन, तो स्वीडन में ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2021 में विश्व का अग्रणी कौन सा देश इस्पात उत्पादक और निर्यातक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। यानी कि चीन मोस्टली कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो चीन का याद रखना कि ज़्यादातर ये टॉप में ही है, गेहूं उत्पादन में भी टॉप में है, चावल उत्पादन में भी टॉप में है, जनसंख्या उत्पादन में भी टॉप में है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों उत्पादन में, फसल के उत्पादन में ये टॉप पर बना हुआ है, कोयला उत्पादन में भी टॉप पर है, ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी फसलों से रिलेटेड या उत्पादन से रिलेटेड अगर चाइना की बात करें तो वो टॉप पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और जापान की बात करें तो जापान, ठीक है, तो जापान भी टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है, ठीक है, टेक्निकल इवेंट में सबसे आगे है। संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका सेकंड स्थान है, ठीक है, और उसके बाद में जापान। देखिए जापान के पास खुद का कोई मतलब उत्पादन नहीं है, लेकिन फिर भी यह क्या है, दूसरे देशों से कच्चा लोहा ऐश मंगा करके उसको तैयार माल करके दूसरे देशों को सप्लाई करता है, क्योंकि जापान के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, और जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप ज्वालामुखी आते रहते हैं। ठीक है, इसकी जो जापान मतलब काफ़ी डेवलपिंग मतलब काफ़ी विकसित देश है टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है, और यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या मतलब जनसंख्या घनत्व वो भी काफ़ी यहाँ पाया जाता है विश्व के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेक्नोपोलिस सिलिकॉन फॉरेस्ट सिलिकॉन घाटी क्रमशः किन शहरों में अवस्थित है, ये क्वेश्चन बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलिकॉन घाटी से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, 2021 के अंदर भी ये पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन क्या है, सिएटल और सान फ्रांसिस्को, सिएटल और सैन फ्रांसिस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उस शहर को पहचाने जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी CPO 27 की बैठक हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, क्योंकि बोन के अंदर यानी कि बोन के अंदर जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सी कोप की जो 27वीं बैठक वो बोन में हुई थी। ठीक है, ग्लासगो में कौन सी बैठक हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ठीक है, और मैड्रिड कहाँ की राजधानी है, कहाँ पड़ता है, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खाद्य सुरक्षा पर विचार करते हुए निम्नलिखित अफ्रीकी उप प्रदेशों को न्यून पोषण के प्रतिशत 2018 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो यानी कि BDCA, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले पूर्वी अफ्रीका, फिर उप सहारा अफ्रीका, BD, फिर पश्चिमी अफ्रीका और फिर उत्तरी अफ्रीका। ठीक है,
तो इस प्रकार इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका देश काफी पिछड़ा हुआ, महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप काफी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें अल्फ्रेड थेयर महान द्वारा लिखी गई हैं। तो कौन सी पुस्तकें अल्फ्रेड थेयर महान द्वारा लिखी गई हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ABC। ठीक है, तो ए बी और सी, यानी कि जो आपका द द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर एंड हिस्ट्री, द लाइफ ऑफ नेल्सन, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर ओपन ओपन फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड एम्पायर। ठीक है, द जियोग्राफिकल प्योट ऑफ हिस्ट्री, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये मैकिंडर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये पुस्तक इसके अंदर नहीं आएगी, बाकी ये तीनों इनके द्वारा अल्फ्रेड थेयर मान के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अल्फ्रेड थेयर मान ने किस पर, इन्होंने पॉलिटिकल जोग्राफर थे, इन्होंने क्या है समुद्र शक्ति, यानी कि समुद्र शक्ति पर बल दिया था, इन्होंने समुद्र शक्ति को ज़्यादा तवज्जो माना था कि अगर किसी देश के पास समुद्र जहाजी बेड़ा मजबूत है तो वह दुनिया पर राज कर सकता है। ठीक है, तो समुद्र शक्ति पर इन्होंने बल दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश को एक राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो वो क्या हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तो जो बेल्जियम है उसे राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं माना जाता, बाकी राष्ट्र राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उस विद्वान की पहचान कीजिए जिसने क्रमबद्ध बनाम पारदेशी भूगोल के द्विभाजन की आधारशी लिखा रखी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्नार्ड वारेनिस इनका पूरा नाम है। ठीक है, उसके बाद में डार्विन है, डार्विन ने क्या किया था, द इनकी जो पुस्तक है उसका आपको द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी पुस्तक है। ठीक है, डार्विन से कौन इफेक्टेड थे, यानी कि प्रभावित हुए थे, वो रेटजेल हुए थे। ठीक है, इन्होंने जैविक संकल्पना का सिद्धांत इन्होंने रेटजेल ने दिया था इनसे प्रभावित होकर के। ठीक है, और इन्होंने माना था कि जैविक राज्य का सिद्धांत इन्होंने दिया था कि जो जो राज्य है वो जीव की तरह है। ठीक है, और जिस प्रकार अब जीव अपना विकास करता है उसी प्रकार राज्य भी अपना विकास करता है, वो कमजोर प्रदेश देशों को आक्रमण करके अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है। तो ये इस प्रकार से रेटजेल डार्विन इफेक्टेड होकर के इन्होंने जो जैविक राज्य का सिद्धांत दिया था, और इमैनुअल कांट, ठीक है, इनको आप जानते ही होंगे, अच्छे ज्योग्राफर हैं माने जाते हैं। अगला देखिए ज्योग्राफिकल ट्रीटीज की जो आपकी 70 वॉल्यूम्स के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके कौन है, स्ट्रेम्बो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इरेटोस्थिनीज हिपकार्स द्वारा पृथ्वी की आकार आकृति के परिधि के बारे में वैज्ञानिक प्रेक्षणों निम्नलिखित में से किस स्थान पर किए गए थे। ठीक है, तो ये कहाँ किए गए थे, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया में किए गए थे, यानी कि जो उन्होंने इरेटोस्थिनीज हिपकार्स क्या था, एक अलेक्जेंड्रिया पर एक क्या था, एक जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी पर नीचे क्या था, एक जगह कुआ था, यानी कि एक गहरा कुआ था। ठीक है, उसका अंदर क्या थी, इनकी ऊपर जो सन की जो रेंज आ रही थी, यानी कि सूर्य की किरणें पड़ रही थी। ठीक है, तो वो पहले तो सूर्य उदय होता है, तिरछी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर सूर्य जाता है, यानी कि जब दोपहर का समय हो जाता है, तो वो किरणें क्या सीधी अंदर तक चली जाती है, उस कुएं तक, तो उस आधार पर उन्होंने सूर्य के एंगल के आधार पर, और ठीक है कितने एंगल पर होती है, और उसके आधार पर उन्होंने क्या कर दिया था, ये आंकलन किया था कितने एंगल है, और उनकी लेंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करके उन्होंने क्या किया था, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या का आंकलन इन्होंने किया था। ठीक है, पृथ्वी की परिधि को मापा था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी भूगोलवेत्ता नहीं है। तो इसके अंदर मानवतावादी भूगोलवेत्ता कौन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेबो, यानी कि स्ट्रेबो क्या है, मानवतावादी भूगोलवेत्ता नहीं है, स्ट्रेबो जो क्या है
बाकी तुहान है, यानी कि मानवतावादी विचारधारा जो सबसे पहले तुहान ने दी थी, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खेतों की वास्तविक श्रम उत्पादकता की तुलना तार्किक आर्थिक व्यक्तियों के रूप में कार्यरत तार्किक व्यक्तियों के रूप में करत किसानों द्वारा निर्णय की प्रक्रिया को अनुकूलन करके प्राप्त की जा सकने वाली उपलब्धि के साथ की गई थी। निम्नलिखित में से किस भूगोलता ने यह कथन दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, यानी वोल्पर्ट। एक मिनट रुकिए, पानी पी लेते हैं थोड़ा। तो जो क्या है वोल्पर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो आपका पंजाब में चावल के उत्पादक सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करती है, उपयुक्त कथन द्वारा किसी प्रणाली के किस प्रकार के संबंध की व्याख्या की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर वन हो जाए, श्रेणी श्रेणी संबंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक का युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर डेविड हार्वे, ये इनकी पुस्तक नहीं है, ठीक है। बाकी ये सभी मिलान सही है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। ए ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, एल फेब्रे रेडिकल ज्योग्राफी, आर पीट, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड वेलफेयर अप्रोच, डीएम स्मिथ, ठीक है। तो ये दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना तंगुता मापिक आवर्ती ग्राफ में प्रयोग की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जो स्थानिक ऊंचाई, यानी कि स्थानिक ऊंचाई को इसके अंदर क्या रखा जाता है, यानी कि स्थानिक ऊंचाई आप जो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर जो कोई शहर का जंक्शन होता है वहां उसके नीचे बोर्ड पर लिखी होती है कि इस स्थान की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। तो तुंगता मापी ग्राफ अगर हमें बहुत यानी कि किसी बहुत बड़े एरिया का बनाना है तो हर एक एरिया की, मान लीजिएगा आपको हरियाणा के अलग अलग जिलों का समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करनी है, हरियाणा के अलग अलग जिले, तो उनको क्या है, आप तुंगता मापी आवर्ती ग्राफ पर उनके जो हर एक जिले की जो हाइट है वो लिख देंगे तो एक तुंगता मापी ग्राफ बन जाएगा हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तुंगता मापी ग्राफ जैसे कि यहाँ पर तो क्या होगा, एरिया एरिया रखा जाएगा कि कितना एरिया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ क्या हाइट रखी जाएगी, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, यहाँ क्या हाइट रखी जाती है और यहाँ एरिया रखा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये ग्राफ जो है तुंगता मापी ग्राफ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंदर इसकी सीट भी बनाई होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका अल्टामेट्रिक फ्रिक्वेंसी ग्राफ आपने प्रैक्टिकल सीट भी शायद बनाई होगी, ठीक है, मोर्फोमेट्री मोर्फोमेट्री वाले प्रैक्टिकल के अंदर। अगला है कि किस प्रकार के मानचित्र को मानारेख कहा जाता है? तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीन, वह मानचित्र जिस पर स्थानिक वितरण के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए रेखाचित्रों आलेखन ग्राफ अध्यारोपित किए जाते हैं। मानारेख क्या होता है, जिसके अंदर यानी कि आप क्या है ड्राइंग का यूज करते हैं, यानी कि आप अपने यानी कि वहां डाटा नहीं, यानी कि ड्राइंग डायग्राम का यूज जब आप करते हैं तो मानारेखा मानचित्र वो इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा भारतीय भाषा समूह बोली क्षेत्र का जोड़ा सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो है उत्तर द्रविड़ ओडिशा, इसका सही सम्मिलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि जो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, थाल घाट गैप,
अहमदाबाद, ये थालघाट अहमदाबाद में नहीं पड़ता, थालघाट बोरघाट ये क्या महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो आपका पालघाट कोयम्बटूर, ठीक है, बाकी सही मिलान है, लेकिन ये सही मिलान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना और उससे संबंधित नदी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा माता टीला बनास नदी, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। बाकी बाण सागर, सोन नदी, ठीक है, उकाई ताप्ती नदी परियोजना, पापनाशा, त्राम्बर प्राणी नदी, ठीक है, ये सही सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे कम भूकंप संवेदनशील जोन में स्थित है, यानी कि सबसे कम कहाँ पर भूकंप आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो यहाँ सबसे कम भूकंप आते हैं, बाकी सभी जगह सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा चेरी बोल सम आंध्र प्रदेश, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी काली बैसाखी पश्चिम बंगाल में होता है, आम्र वर्षा कर्नाटक में होती है, बरदोली छीड़ा असम के अंदर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 आपका देखिएगा कि किन परतों की ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, एक तो आपका सौरमंडल हो जाएगा, एक आपका समताप मंडल हो जाएगा, ठीक है। रुकिएगा, इसका थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन कौन, सॉरी इसका ये नहीं होगा, बी सी होगा इसके अंदर, क्योंकि आप देखिए अब बी सी होगा सौ मंडल, क्योंकि सबसे पहले क्या आती है सौ मंडल धरातल के साथ सौ मंडल, ठीक है। उसके बाद क्या आती है आपका समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा मध्यमंडल, आयन मंडल को क्या है तापमंडल कहते हैं, ठीक है, आयनमंडल को तापमंडल कहते हैं, और उसके बाद में वायुमंडल, ऊपर वायुमंडल। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो तापमान क्या है कमी आती है, तो ऐसे आपने डायग्राम भी देखा होगा, सबसे पहले कमी आती है, फिर वृद्धि होती है, फिर अगली लेयर में कमी आती है, फिर वृद्धि होती है, ठीक है। इस प्रकार से आगे तापमान, यानी कि जो मध्यमंडल के समताप मंडल के तापमान लगभग समान रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका क्या हो जाएगा बी और सी, यानी कि सौ मंडल और मध्यमंडल के अंदर जो तापमान में कमी आती है, बाकी में वृद्धि होती है, ठीक है। तो और इसकी जो हाइट की बात कर ले, तो जो आपकी सौ मंडल की जो ऊंचाई है वो आपकी 8 से 18 किलोमीटर के बीच होती है, भूमध्य रेखा पर 18, ध्रुवों पर 8, ठीक है। उसके बाद में सौ सौ मंडल, उसके बाद में आपका समताप मंडल की 18 से कितनी होती है आपकी 30 किलोमीटर होती है, ठीक है। और उसके बाद में समताप मंडल के बाद मध्य मंडल 30 से 50, ठीक है, और उसके ताप आयन मंडल 50 से 80, ठीक है, और उसके बाद में आगे बहिर्मंडल 80 से यानी कि अंतरिक्ष तक पार हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, जो सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं वो सौ मंडल में होती है, बादल का गर्जना होता है, ठीक है, ठीक है, ये सभी इसके अंदर होती है। और समताप मंडल में क्या आता है, आपके हवाई जहाज़ वगैरह समताप मंडल में उड़ते हैं, ओजोन लेयर भी जो आपकी समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ज़्यादा थिक इसकी जो ज़्यादातर मात्रा है वो 30 से यानी कि 20 से 35 किलोमीटर के बीच जो है इसकी ज़्यादा थिकनेस यानी कि ज़्यादा मात्रा समताप मंडल में ओजोन लेयर की पाई जाती है। जो ओजोन लेयर है सूर्य से आने वाली पर्यावरणीय विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, और जो मध्यमंडल को जो जो नीचे की तीन लेयर है जैसे कि समताप मंडल, मध्य मंडल और सौम मंडल, इनको इनके अंदर क्या, इन्हें सममंडल कहते हैं, इन्हें सममंडल कहते हैं, ठीक है। ऊपर बच के आपके आयन मंडल और वायुमंडल, इन्हें वायुमंडल कहते हैं, जब एक कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। तो सममंडल के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, सौम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और विषम मंडल के अंदर कौन से आ जाएंगे, जो आपके बाकी बच के ताप मंडल या आयन मंडल और वायुमंडल, ठीक है। जो आयन मंडल रहता है वहाँ से क्या आती है, जो रेडियो वेव है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, आयन मंडल से, ठीक है,
और जो आपका वायुमंडल है उसके अंदर जो अंतरिक्ष यान वगैरह जो छोड़े जाते हैं ऊपर अंतरिक्ष में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र सीधी सी बात आपको पता ही है कि आर्द्र भूमि, वेटलैंड भूमि, ठीक है, डेल्टा है आपका। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि बी सी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है कि जो बी सी आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, रामसर सम्मेलन जो ईरान के अंदर हुआ था, कब हुआ था, वो 1971 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो और उसके बाद में जो घास है, ठीक है, और वन है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और कई बार सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है कि भारत के अंदर वनों का प्रतिशत के मामले में अवरोही क्रम में विश्व के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अलग अलग जो घास भूमि है, सवाना घास के मैदान है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। डेल्टा की अगर हम बात करें तो किस प्रकार के जो डेल्टा है, जो जैसे गंगा नदी किस प्रकार का चापाकार डेल्टा बनाती है, ठीक है, और मिसिसिपी मिसौरी नदी है वो पक्षी का आकार का डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो उसको रिलेट करके याद करो, ताकि एक के साथ, एक ऑप्शन के साथ जितने भी ऑप्शन रखे उनको डिटेल में डिस्कशन करो, पढ़ो, उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है। तो रासायनिक अपक्षय का उदाहरण कौन कौन सा है, तो आपका एक तो लोहे में जंग लगना, ठीक है, उसके बाद में अम्लीय प्रक्रिया, ठीक है, और उसके बाद में आपका फेल्डस्पार की मृत्तिका में विखंडन। तो इसका बी सी डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बी सी डी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि, देखिए आपको पता है कि जो यानी कि जो रासायनिक के अपक्षय के अंदर क्या होता है कि धातु में जंग कैसे लगता है, यानी कि जो आपकी चट्टाने होती हैं, चट्टान के अंदर जो लोहे के कण पाए जाते हैं और लोहे के कण पाए जाते हैं, तो ऑक्सी जो जल है, जो जल है वो किसके साथ, लोहे के साथ मिलकर के क्या करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण जो चट्टानों के अंदर जो लोहे कण होते हैं वो क्या भूरे भूरे रंग के हो जाते हैं, और भूरे रंग के होने के कारण भूरे भूरे यानी कि उन्हें जंग लग जाता है, और जंग लगने के कारण क्या है कि चट्टानें फैलती हैं। आप देखते हैं कि कोई लोहे की धातु उस पर जंग लग जाती है तो वो मोटी हो जाती है ना, ठीक है। इसी प्रकार चट्टानों के अंदर जो लोहे कण पाए जाते हैं वो मोटे हो जाते हैं, और चट्टानों के जो मजबूती है वो ढीली पड़ जाती है, और चट्टान ढीली पड़ के धीरे धीरे टूटने लग जाती है, ठीक है। अम्लीय प्रक्रिया क्या है कि जब जल के यानी कि जो चट्टानों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल घुल जाता है ना, तो वो चट्टानों को क्या है, वो कार्बन डाइक एसिड बनाता है, ठीक है। अम्लीय जल है वो क्या, चट्टानों का फिर अपरदन करता है। इसी प्रकार जो आपका फेल्सपार मृत्ति का विखंडन है, ठीक है, रासायनिक का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायुमंडल में, ये कहता है कि वायुमंडल में एरोसोल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो वो क्या हो जाएगा, देखिएगा तो इसका हो जाएगा ए बी डी, ए बी डी, ए बी और डी, यानी कि एरोसोल में समुद्री लवण, महीन मृदा, धुआं, परागकण का कालिक होता है। वायु में एरोसोल सूर्यास्त, सूर्योदय, सूर्यास्त के समय लाल और संतरी रंग के विविध प्रकार के प्रकार बनाने में योगदान करते हैं, और एरोसोल ऐसी सतह के रूप में कार्य करते हैं जिन पर जल जल वाष्प द्रवित हो जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि स्थानिक विश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि बी डी, बी डी के अंदर क्या है आपका, देखिएगा बी और डी, यह प्रत्यक्षवाद दर्शन से संबंधित नहीं है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि जो है वो जो आप आपका जो आपका
स्थानिक विश्लेषण है, ठीक है, वो किस रिलेटेड है, प्रत्यक्षवाद से रिलेटेड है, पॉजिटिविज्म से रिलेटेड संबंधित है, ठीक है, और यह भूगोल में निश्चयवाद उपागम के कारण लोकप्रिय हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, यह संभववाद के कारण ही उपागम के कारण लोकप्रिय हुआ, निश्चयवाद के कारण नहीं हुआ, तो ये दो स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह आपका इन्वायरमेंट सम्मेलन से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको पक्का कर लीजिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, जितने भी सम्मेलन इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अब की बार भी देख लीजिए आपका पूछ लिया गया यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिएगा स्टेटमेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 AD हो जाएगा। इसके अंदर क्या दरक है कि ब्राजील के रियो डी जनेरिया में 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 को अंगीकार किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील रियो डी जनेरिया में आयोजित सम्मेलन को प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संधारणीय विकास पर आयोग को 1992 में गठित किया गया था, ठीक है, तो इस प्रकार से ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय हास हेतु उत्तरदायी हो सकता है, ठीक है, तो इसके अंदर नगरीय हास हेतु कौन उत्तरदायी हो सकता है देखते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए बी और ई। परिवहन के स्वरूप में परिवर्तन, खनिज निक्षेपों की समाप्ति और आसपास के कस्बों से प्रतिस्पर्धा, यानि कि नगर का हास होगा वो कैसे हो सकता है, ठीक है, नगरीय हास हो यानि कि जो ह्यूमन फैक्टर ही नगर को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, यानि कि परिवहन के स्वरूप में परिवर्तन, यानि कि पहले परिवहन के अच्छे साधन वहाँ पर मौजूद थे, परिवहन की फैसिलिटी अच्छी थी लेकिन बाद में कम होगी, खनिज निक्षेपों की समाप्ति यानि कि अगर जो आपको मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, यानि कि जो कच्चा माल लोहा ऐसे मिल रहा है, अगर वो नहीं मिलेगा तो जो बकोरा, ये जैसे कि बकोरा जमशेदपुर जैसे शहर है वो क्या है कि वहाँ पर कच्चा मटेरियल मिलेगा नहीं, तो वो तैयार माल कैसे तैयार करेंगे, तो उसका हास हो जाएगा। आसपास के कस्बों से प्रतिस्पर्धा, यानी कि मान लीजिएगा कोई जैसे कि बड़ा शहर कोई शहर है उसके साथ और कस्बा आ गया तो वहाँ पर दुकानें खुल गई तो लोग उस शहर में नहीं आएंगे, उस कस्बे से ही सामान लेने लगेंगे, तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, तो वो भी हास का कारण है, तो ये 3 फैक्टर है इसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अनुगुणवत्ता में सुधार है, तो नवीन परिवर्तन को निम्नलिखित विकल्पों कौन सा सही रूप में व्यक्त करता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिएगा क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इनकी ए बी और डी, यानी कि आपका अन्य का विकल्प पुरुष महिला के अतिरिक्त तलाकशुदा और वियोजित के लिए पृथक कूट और दिव्यांग हेतु चार नए कूट, ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है, आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके अंदर कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्वेश्चंस क्या है इसका, एक मिनट रुकिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि आपका क्या ऑप्शन नंबर 2 में ए सी और ई, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय आदर्श आधारित वनों के मुख्य वृक्ष महागोनी एबोनी राजवुड हैं, हाँ ये सही है, और पेरागुए दक्षिणी ब्राजील के चाको प्रदेश में चेस्टनट वृक्ष का एक एक्स ब्रेकर के रूप में जाना जाता है, उसके बाद हेमलोक मैग्रोव प्रजातियों और सागौन वृक्षों की छाल में टेनिन पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट 3 ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित किन सुरक्षात्मक स्थलों के शहरों का ग्रीष्म स्थलों शहरों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि सुरक्षात्मक शहर कौन कौन से हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या 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 आ जाएगा देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ए और सी में क्या है आपका देखिए, ए और सी यानी कि इबेडन और एंडिनबर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है
कि उलेमन के अनुसार स्थानिक अंतःक्रिया के आवश्यक घटकों में सम्मिलित है। तो उलेमन का जो मॉडल है उसके अंदर क्या अनुरूपता, मध्यवर्ती अवसर और स्थानांतरणता, ये तीन आ जाएगा। तो ए डी ई किसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका ये राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 52, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित है इसके अंदर आप देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 507। क्वेश्चंस नंबर कौन सा है। तो आगे इस वीडियो लेक्चर में इतने 50 ही क्वेश्चन करेंगे, आगे के नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, उसके अंदर मैं आपको बाकी बचे क्वेश्चन कराऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसकी PDF आपको चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर पर आपको ये PDF हमारे मिल जाएगी। और वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।